Good morning, class. Myself Geeta Mishra. I am your math teacher. This is your math period. Today we are going to learn chapter 10 shapes. तो आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेप्स. ठीक है, तो आज हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. शेप्स के टू टाइप्स होते हैं, एक प्लेन शेप और सेकेंड सॉलिड शेप. ठीक है, प्लेन शेप्स को हम 2D भी बोलते हैं और सॉलिड शेप को 3D फिगर. ठीक है, 2D यानी टू डायमेंशन एंड 3 मतलब 3 डायमेंशन. ठीक है, प्लेन शेप्स आर दोज दैट कैन बी ड्रॉ ऑन द फ्लैट सर्फेस सच एज पेपर. इसको हम प्लेन शेप्स को हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, कॉपी पे. ठीक है, पेपर पे. इट हैज टू मेजरमेंट, लेंथ एंड ब्रेथ. इसकी केवल 2 मेजरमेंट होती है, यानी जब हम इसको मापते हैं तो 2 तरीके से मापते हैं, एक तो लेंथ उसकी लंबाई और दूसरी उसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई. ठीक है, ये हमारा प्लेन शेप की डिफिनेशन हो गई. नेक्स्ट सॉलिड शेप. सॉलिड शेप की डिफिनेशन क्या है, कि सॉलिड शेप आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्यूपाई लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, जिस तरह से प्लेन शेप लेंथ और ब्रेथ ही होता था उसमें, और इसमें 3D डायमेंशन में हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास 3 डायमेंशन रहेगी, जो कि एक लेंथ रहेगी, दूसरी ब्रेथ रहेगी और तीसरी हाइट रहेगी, जिसे हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे आपकी बुक में कुछ लेंथ भी है उसकी, कुछ ब्रेथ भी है और उसकी हाइट भी होती है ना. अब हम प्लेन शेप और सॉलिड शेप्स से रिलेटेड कुछ हम शेप्स के एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट है आपका प्लेन शेप. प्लेन शेप में आपका एग्जांपल है स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखने हैं आपको. यहाँ पे मैंने पूछा है कि साइड्स कितने साइड्स होते हैं. आपको क्लास सेकेंड में भी इसके बारे में पढ़ाया गया है, शेप्स के बारे में, जिसमें आपने रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर के बारे में पढ़ा है. तो फर्स्ट फिगर है हमारा स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर में साइड्स कितनी होती हैं, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, और उसकी साइड्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी उसकी चारों साइड्स हमारी क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती है. ये चारों साइड्स जो है हमारी वो क्या है, इक्वल है. ठीक है, तो साइड्स कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4 साइड्स हो गई. ठीक है, कॉर्नर, जहां पे ये 2 साइड्स आके मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर. क्या बोलते हैं, कॉर्नर. तो कॉर्नर कितने हो गए, 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर. ओके, नेक्स्ट शेप है हमारा रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप का आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए, 1, इसमें कितने साइड्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4 4 साइड्स हैं, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. ये देखिए, ये दोनों एक बराबर है और ये दोनों भी इक्वल हैं. तो ये आमने सामने की जो इसकी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है, यानी इसकी अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. और स्क्वायर में चारों साइड्स हमारी इक्वल होती थी. रेक्टेंगल में कॉर्नर्स कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4 4 कॉर्नर, 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर. बट रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और स्क्वायर की ऑल साइड्स हमारी इक्वल होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रायंगल. ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, 1, 2 एंड 3 साइड्स. एंड कॉर्नर, 1, 2 एंड 3 कॉर्नर कितने हो गए, 3. ठीक है, सर्कल. सर्कल में ना साइड्स होती है और ना ही कॉर्नर. कहीं कॉर्नर आपको दिख रहा है, नहीं ना. तो साइड्स में 9 साइड्स रहेंगी और 9 कॉर्नर. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओवल. ओवल में भी ना कोई साइड है ना कोई कॉर्नर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो आप 0 लिख दीजिए या फिर 9. ओके, ठीक है, नेक्स्ट है हम अब सॉलिड शेप से रिलेटेड उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे. फर्स्ट है, ये क्या है, क्यूब. आप सब लूडो खेलते होंगे ना, लूडो में जो डाइस होती है वो किस शेप की होती है, डाइस हमारी क्यूब शेप की होती है. ठीक है, ये इसमें कितने, इसमें आपको 3 चीजें लिखाती है. यहाँ पे आपको साइड और कॉर्नर लिखना था, यहाँ पे आपको फेसेस लिखने हैं, एजेस लिखने हैं और वर्टेक्स. एज यानी साइड की होती है, वर्टेक्स यानी कॉर्नर. ठीक है,
यानी ये जो इसके फेस दिख रहा है, उसके कितने फेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। एजेस यानी लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने एजेस हैं? 12। एंड वर्टेक्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 वर्टेक्स, ठीक है। यानी क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6, एजेस 12 एंड वर्टेक्स 8, यानी 8, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड से रिलेटेड कोई एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं? क्यूबॉइड जैसे कि मैच बॉक्स। मैच बॉक्स है ना, घर में माचिस का यूज मॉम करती है, तो उस मैच बॉक्स का जो शेप होता है वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड, ठीक है। इसके कितने फेसेस होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने फेसेस? 6। एजेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितने एजेस हैं? 12। और वर्टेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट है कोन। अब कोन में आपको देखना है वर्टेक्स, कितना वर्टेक्स है? ये 1, ओनली 1 है। ये दोनों लाइन आके कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। तो ये कितने वर्टेक्स हो गए? 1। नेक्स्ट है एज, कितने एजेस है? 2। फेसेस कितने हैं? 2 फेस है, एक कर्व एंड एक फ्लैट। तो 1 कर्व एंड 1 फ्लैट फेस, ओके। नेक्स्ट फिगर है हमारा कौन शेप का, कोई एग्जाम्पल बताइए। बर्थडे कैप होती है ना, वो हो गया। फिर सिलेंडर, सिलेंडर शेप में आपका क्या होता है? सिलेंडर शेप में जैसे ये चौक, ये चौक क्या है? सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। आपके घर में भी सिलेंडर होता है ना, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? 9 वर्टेक्स, इसके कोई वर्टेक्स नहीं होते। एच, एच कितनी है? 2। एंड फेसेस 2 कर्व्ड, सॉरी 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट फेसेस, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हमारा क्या है? स्फीयर। स्फीयर में वर्टेक्स 9, इसमें कोई भी आपको वर्टेक्स दिख रहा है? कोई भी कॉर्नर है? नहीं। एज कितने हैं? एज भी नहीं है। एंड फेस 1, वो भी कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड शेप क्या होते हैं और प्लेन शेप क्या होते हैं। आपको आपके चैप्टर में इस बार सॉलिड शेप्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ओके। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज बुक में है उसे आपको करना भी है, ठीक है। थैंक यू।